आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास है जी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज आप कौन से चैप्टर की है जी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के चैप्टर की है जी एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट पेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, इन पेयर्स में से हम लोग बता सकते हैं कि, और इनके साथ मेटल्स भी दिए गए हैं कि कौन सा मेटल इन पेयर में से ये जो साल्ट्स हैं, ठीक है, इनमें से मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इस तरफ है जी, इस तरफ जाने से पहले हम लोग ऑप्शन ए इधर जाते हैं कि NaCl का सॉल्यूशन है एंड कॉपर मेटल है। ठीक है, हमारे साथ इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और साथ में अल्मोनियम मेटल है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है जी FeSO4 सॉल्यूशन है और साथ में सिल्वर का मेटल है, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और साथ में है जी हमारे पास कॉपर मेटल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मेटल सॉल्यूशन में से, साल्ट सॉल्यूशन में से मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन है तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ जाते हैं, जो हमारे पास टॉप पे जो मेटल्स हैं वो हैं जी हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं ये। इस तरह से मिड वाले जो होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव भी बोल सकते हैं इनको, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल है। और जो ये बिल्कुल नीचे वाले हैं ये सबसे ज्यादा ये क्या है जी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं किसकी, कि NaCl का सॉल्यूशन है और साथ में हमारे पास कॉपर का मेटल है। ये हमारे पास Na है। ठीक है, NaCl में से Na को रिप्लेस करना है। ठीक है, एंड कॉपर का मेटल है हमारे पास, कॉपर का मेटल है जी। अब ये कॉपर जो है बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, ये जो रिएक्टिव मेटल है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स मीन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो फॉल्स है। इसी तरह से MgCl2 है और MgCl2 का सॉल्यूशन है और साथ में अल्मोनियम का हमारे पास मेटल है। MgCl2 का सॉल्यूशन है और अल्मोनियम का मेटल है, तो अल्मोनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अपनी जगह से रिप्लेस नहीं हो सकेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ अल्मोनियम। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी फॉल्स हो जाता है। इसी तरह से आयरन सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन है और साथ में सिल्वर मेटल है। आयरन FeSO4 का सॉल्यूशन है, साथ में आयरन हमारे पास सिल्वर मेटल है। तो ये हमारे पास सिल्वर मेटल है, तो ये जो आयरन है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Ag सिल्वर, तो ये अपनी जगह से रिप्लेस नहीं हो सकेगा। इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये भी फॉल्स हो गया। और AgNO3 का सॉल्यूशन और साथ में कॉपर मेटल है। AgNO3 का सॉल्यूशन है और साथ में कॉपर मेटल है। कॉपर मेटल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर मेटल, तो सिल्वर मेटल को उस जगह से रिप्लेस कर देगा और क्या चीज बना देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा। यहाँ पे हमारे पास बनता है जी रिएक्शन AgNO3, साथ में कॉपर का मेटल हम लोगों ने यूज कर दिया जो कि कन्वर्ट हो जाएगा CuNO3, साथ में सिल्वर एज अ मेटल रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, एलिमेंट लाइकली टू बी। बोला गया है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है वो हमारे पास कंपाउंड देता है, और वो कंपाउंड जो है बहुत ज्यादा हाईली मेल्टिंग पॉइंट है उसका, बहुत ज्यादा हाईली मेल्टिंग पॉइंट है, और ये मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और ये सोल्यूबल भी होता है। किसमें जी सोल्यूबल होता है, किसमें, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक को कैल्शियम की तरफ चलते हैं, जो कैल्शियम जो है हमारे पास ये Ca है। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा तो ये हमारे पास क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारे पास ये होता है जी लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, ये होता है जी क्विक लाइम होता है। ठीक है, तो
ये जब ये सी ए ओ को वाटर के साथ डिसॉल्व कर देंगे ठीक है, तो ये क्या बना देगा, सी ए ओ एच होल टॉइस बना देगा। ए सी ए ओ एच होल टॉइस होता है, ये होता है हमारे पास जी ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यूज होता है ऐसा वाइट वाश के लिए, वाइट वाश के लिए, वाइट वाश के तौर पे जो है एसएच वाश के तौर पे यूज करते हैं हम इसको ठीक है। तो इसको आम लैंग्वेज में हम लोग चूना भी बोलते हैं, और फिर वाइट वाश के लिए हम लोग डिस्टेंपर्स वगैरह में भी डालते हैं, तो ये हम लोग अपनी वाइट वाश में इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो करता है, और उसके साथ में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और वो कंपाउंड जो है फर्दर वाटर के साथ एक्सचेंज हो करता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल होता है ठीक है। और वो क्या चीज बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और उसको यूज करते हैं हम लोग ऐसा वाइट वाश के तौर पर। तो इसके अलावा हम लोग अगर दूसरे कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सी और डी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक गैस होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। इसके मुकाबले में अगर हम लोग आयरन की सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर जो है जब ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो करता है तो ये क्या बना देगा, सिल्वर डाइऑक्साइड बना देगा। और आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा तो ये क्या बना देगा जी, 2F Fe2 plus O2 give us 2Fe ठीक है, FeO ठीक है, आयरन ऑक्साइड बना देगा। ये दोनों जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते ठीक है, ऑक्साइड्स तो बना लेते हैं लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड वाटर में जो होते हैं वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए होगा वो कैल्शियम है, तो कैल्शियम अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अज्यूम करते हैं।